अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज आपको मैं इन्फिनिक्स के वो सेटिंग बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, और ये सेटिंग करने से आपके जो है ना फ़ोन में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। तो चले गए वीडियो जाने बढ़ते हैं, और वीडियो से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने सेटिंग पर ओपन कर लेनी है। सेटिंग को ओपन करने के बाद माई फ़ोन पर जाना है, और यहाँ पर आपने जो है एंड्रॉयड वर्जन को ढूंढ लेना है। तो आपने यहाँ पे जो है ना एंड्रॉयड वर्जन पे क्लिक करके जो है ना फिर एंड्रॉयड वर्जन पे दो तीन दफ़ा यहाँ पे इस तरह का क्लिक करना है, और इसको थोड़ा सा हिला देना है। तो ये सेटिंग आपने ज़रूर कर लेनी है, और इस पे आपको जो है ना फ़ोन के बारे में पता चलेगा कि वाकई आपका फ़ोन जो है ना चाइना कंपनी का तो नहीं है। अगर ये आता है ऑप्शन तो फिर ठीक है, आपका फ़ोन फुल ओके है, जेन्युइन फ़ोन है। अगर नहीं आता तो फिर आपका फ़ोन जो है ना उस वक्त जेन्युइन नहीं है। तो ये सेटिंग आपने जो है ना ज़रूरी और लाजमी तौर पर करनी है, क्योंकि इससे जो है ना आपको फ़ायदा होने वाला है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना हम गाइस दूसरी जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़ोन के बारे में, इन्फिनिक्स और 10 प्ले उसका जो है ना आपने चेकिंग कर लेना है। यहाँ पर जो है ना कॉन्टेक्ट में जा के ना उधर आपने जो है ना फ़ोन पे जो है ना नंबर वगैरह लिखने, और फिर क्रॉस के वाले ऑप्शन पे एकदम जू ही मिटाएंगे तो अगर मिट जाता है तो फिर आपको फ़ोन यहाँ पे भी जो है ना जर्मन का पता लग जाएगा। तो इसी तरह आप इन्फिनिक्स का फ़ोन चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।